तो दोस्तों फाइनली इन्फिनिक्स का पहला 5G स्मार्टफोन का इंडिया का लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है और ये फ़ोन रियलमी 8S, रेडमी नोट 11T 5G और मोटो G71 5G या फिर IQ Z3 5G से जो है काफ़ी हद तक बेटर फीचर्स दे रहा है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इस फ़ोन का लॉन्च डेट क्या है, प्राइस कितना रखा जाएगा और फीचर्स ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आ रहा है, सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है जानने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले इस फ़ोन का लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है 8 फरवरी को इंडिया पे ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट में ये फोन ऑफिशियली आपको 8 फरवरी जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्च डेट भाई कंफर्म हो चुका है, काफी सारा भाई कमेंट कर रहा था लॉन्च डेट कंफर्म बताओ, तो 8 फरवरी कंफर्म लॉन्च डेट हो चुका है। अब गाइस यहां पर सबसे बड़ा हाईलाइट जो फीचर्स है वो है इस मोबाइल का प्रोसेसर, क्योंकि ये फोन 5G के साथ आता है। तो यहां पर गाइस आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G चिपसेट देखने को मिलेगा और इसका अंतुतु स्कोर की बात करें तो गाइस आपको लगभग 47 लाख से ज्यादा अंतुतु स्कोर देता है निकाल के। तो यहां पर Realme 8S या फिर Redmi Note 11T 5G या फिर Moto G71 से ज्यादा अंतुतु स्कोर निकाल के दे रहा है, मतलब आपको यहां पर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है Redmi, Realme या फिर Moto से। तो ये वाला एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। बाकी गाइस यहां पर 13 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि और एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं Realme 8S या फिर Redmi Note 11T 5G या फिर IQ Z3 या फिर Vivo V23 से, तो यहां पर गाइस सारे फोन से बेटर आपको जो है बैंड यहां पर इन्फिनिक्स का ये वाला फोन में आपको देखने को मिलता है जहां पर 13 5G बैंड का आपको सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ गाइस अगर बात करते हैं यहां पर रैम और इंटरनल स्टोरेज का, तो 8GB 128GB आपको रैम और इंटरनल स्टोरेज तो देखने को मिलेगा और 256GB वाला वेरियंट भी शायद आपको मिल सकता है। बट रैम का क्वालिटी और स्टोरेज का क्वालिटी की बात करें तो इन्फिनिक्स 05G में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और LPDDR5X रैम आपको मिलेगा जो कि आपको रियलमी 8S या फिर रेडमी नोट 11T मोटो G71 में भी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर रैम और रोम का क्वालिटी जो है आपको इन्फिनिक्स का फ़ोन में ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी जो है इन्फिनिक्स आगे निकल जाता है। अब नेक्स्ट कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन मिल रहा है, 6.67 इंच का आसपास जो है यहाँ पर साइज होगा और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और सेंटर पंच होल आपको मिलेगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होगा, ब्राइटनेस वगैरह में प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। अब गाइस यहाँ पर और एक फीचर्स के बारे में बात करें जो है कैमरा सेंसर, तो यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग करने फीचर्स दिया जाएगा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा मेन सेंसर जो रहेगा और यहाँ पर 30x जूम का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा होगा जिसमें दो अलग से सेंसर दिया जाएगा, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा और बाकी एक माइक्रो या फिर डेप्थ होने वाला है। 16 यानी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा और बैटरी डिपार्टमेंट में भी कोई कमियां नहीं रखा जाएगा, 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आपको 33W का मिलने वाला है और इस फोन में आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा। और सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा शायद और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 होगा इस फोन में। तो 8 फरवरी लॉन्च ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, प्राइस 20,000 के अंदर आएगा क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है इस फोन का प्राइस 20,000 के अंदर ही आएगा। और गाइस जो जो फीचर्स निकल के आया है काफ़ी ज़बरदस्त है, डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे कम लग रहा, मतलब और थोड़ा प्रीमियम होता तो और ज़्यादा बेहतर लगता, बट फीचर्स भाई सारे फोन को तगड़ा टक्कर देने वाला है क्योंकि सारे फोन से बेटर फीचर्स आपको जो है इन्फिनिक्स का 05G में आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं फाइनल प्राइस जो है 8 फरवरी को निकल के आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।